हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और हम लोग निकल पड़े हैं एक जर्नी पे जहाँ पे हम यूजीसी नेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बिलियन कैरेक्टर। भाई इसमें हमें बात करनी है बिलियन कैरेक्टर। तो भाई बिलियन में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी जीरो होती है। भाई बिलियन में होती है 9 जीरो, ठीक है? बिलियन में होती है 9 जीरो, ठीक है? अब हमारे को पता होना चाहिए गीगाबाइट में 9 जीरो होती है, किलोबाइट में, मेगाबाइट में या टेराबाइट। अब देखो ध्यान से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं बिट की, BIT, तो बिट होता है हमारा 0 और 1, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। बाइट होता है, में होते हैं 8 करेक्टर्स। फिर किलोबाइट, किलोबाइट में आता है आपका, KB में आता है आपका 1000 बाइट्स। सिमिलरली अगला चलो मेगाबाइट, 1000 × 1000 बाइट, ठीक है? अब GB में होते हैं 1000 × 1000 × 1000, ये हो गए बाइट, ठीक है? भाई अब कितने जीरो चाहिए थे हमारे को? 9 जीरो। तो 3 3 6 3 3 9, 9 जीरो आ गए हमारे पास। तो गीगा बाइट इज द करेक्ट आंसर, तो GB में। अब ये पूछता कि 1 मिलियन करेक्टर, अगर मिलियन पूछता तो मिलियन में होते हैं कितने जीरो बच्चों, बताओ? मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो हमारा आंसर आ जाता मेगाबाइट। और अगर ये पूछता ट्रिलियन करेक्टर, तो आंसर हमारा आता 12 जीरोस, आंसर होता TB। इसमें होता मिलियन में KMB, ठीक है? और बिलियन में GB, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फर्स्ट गोइंग टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो भाई हमारे को पता है बिट सबसे छोटा है 1, फिर होता है बाइट। बिट में होता है एक ही होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। बाइट में होता है 8 जीरोज और 1 का कॉम्बिनेशन। तीसरे नंबर पे आता है हमारा KB, चौथे नंबर पे आता है हमारा MB, पांचवे नंबर पे आता है हमारा GB, और लास्ट नंबर पे आता है हमारा TB। तो ये ऑर्डर है, आप चेक कर लेना एक बार। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ये हमें पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है? पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट वन। अगेन बिट, बाइट, ये अलग अलग सालों का क्वेश्चन है। फिर किलो बाइट, आई थिंक सो रिपीट हो गया, तो इसको आप इग्नोर करो, अगले वाले क्वेश्चन पर चलना है, ये सेम क्वेश्चन है। अगेन अ कंप्यूटर, अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, बाइट में हमने पढ़ा था 8 बिट्स होते हैं, थोड़ी देर पहले हमें पता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, किस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? भाई माइक्रोफोन से आवाज अंदर जाती है तो इनपुट है, कीबोर्ड हम टाइप करते हैं इनपुट है, जॉयस्टिक से हम गेम्स खेलते हैं इनपुट है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 4, सिंपल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रिगार्ड्स टू कंप्यूटर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सी निम्नलिखित स्टेटमेंट में से ट्रू है? रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। बेटा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल समझ लेते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है, अगर कंप्यूटर बंद होता है, शट डाउन होता है, तो उसके अंदर जो भी स्टोरेज होती है वो डिलीट या रिमूव या क्लियर आउट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है? रीड ओनली मेमोरी में, रीड ओनली, नॉट रीड ओनली मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी में। और नॉन वॉलेटाइल कौन सी होगी? इवन कंप्यूटर बंद भी कर दो आप, तब भी उसकी इंफॉर्मेशन कभी डिलीट नहीं होगी या रिमूव नहीं होगी, ठीक है? तो भाई रीड ओनली मेमोरी तो वो मेमोरी है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर। तो हम क्या चाहेंगे जहां पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वहां से डेटा उड़ जाए, क्या हम चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी जहाँ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, इट्स नॉट अ वॉलेटाइल मेमोरी। अदरवाइज आप हार्ड डिस्क में या अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज सेव करते हैं वो बंद होते ही डिलीट हो जाती, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि डिलीट हो जाती है, तो भाई रैम तो वही है, रैम का तो काम ही यही है कि जब आप उस प्रोग्राम को यूज करोगे, उस एप्लीकेशन को खोलोगे, तब तक उसमें मेमोरी में रहेगा. जैसे आपने एप्लीकेशन बंद की, फोन बंद किया, तो वो सारा डिलीट हो जाएगा. तो ये वाली स्टेटमेंट है करेक्ट, बिल्कुल सही. थर्ड वाला क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी बच्चों पहले तो समझते हैं होता क्या है. पेन ड्राइव होती है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है, और एसडी कार्ड होता है. ये सारे हो गए हमारे सेकेंडरी मेमोरी. और अभी हमने बात की कि जैसे ही उसमें करंट जाना बंद हुआ, सिस्टम बंद हुआ, तो उसमें डिलीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली. तो हम हमारी सेकेंडरी मेमोरी को जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, तो क्या उसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता. तो ये भी गलत हो गई. तो ऑप्शन नंबर क्यू इज करेक्ट, ओनली क्यू इज करेक्ट. तो इसका आंसर है टू. सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे इज, डैश इज द टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन. भाई कौन सा ऐसा मेमोरी सर्किट है या कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने में मदद करती है? रीड इनिशियल मेमोरी, तो ऐसा तो भैया होता कुछ नहीं है. रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का काम क्या है. जो भी सिस्टम फाइल आप अपने सिस्टम लैपटॉप में या मोबाइल फोन में, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, वो रोम से निकल के रैम में आ जाएगी कुछ देर के लिए, जब तक के लिए आप उसको एक्सेस कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो. जैसे ही आपने उसका यूज बंद करा, उसी टाइम पर क्या होने वाला है कि वो रैम से आउट हो जाएगी. यानी कि रैम को अगर हम स्विच ऑफ कर दें लैपटॉप को या फोन को, तो रैम भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर या खाली. अब रोम की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी है. रोम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आप सिस्टम बंद भी कर दो, इवन इफ यू टर्न ऑफ योर लैपटॉप और स्मार्टफोन, द इंफॉर्मेशन विल नेवर बी डिलीटेड फ्रॉम देयर, इट विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन इट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? रोम. बिकॉज हमारा जो बायोस होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को बताता है कैसे चलना है, वो किसमें स्टोर्ड है बच्चों? वो स्टोर्ड होता है रोम के अंदर. कैचे मेमोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये इसका आंसर नहीं है. क्या होता है कैचे मेमोरी, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो यूजीसी नेट की, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए और पेपर वन के लिए भी, तो प्लीज इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए. थैंक यू सो मच.